का टू नंबर देखो, ए एक मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है, हमें ए बी और बी ए निकालना है। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो आप पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो। यहाँ पे देखो, इसके दो रॉ है, तीन कॉलम है, यहाँ पे तीन रॉ है, दो कॉलम है। तो ए बी एग्जिस्ट करने के लिए आपके ए के नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होना चाहिए, जो कि देख रहे हो इक्वल है, यानी कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए 4 1 0, और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 1 -1 0 2 5 0। अब आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता ही है, पहले रॉ में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 2 0 15, फिर दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो हो जाएगा आपका 4 0 0। चलो फिर इस पहले रॉ में सेकंड कॉलम से तो माइनस का 2 प्लस का 2 0, फिर दूसरे रॉ में दूसरे कॉलम से तो हो जाएगा -4 2 0, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू कितना 17 0 4 -2, तो यह ए बी का वैल्यू आ गया। अब हमें बी ए भी निकालना है, यानी बी में ए से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी ए निकालने के लिए पहले देख लो, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के बराबर होना चाहिए, हो जा रहा है ना। तो चलो यहाँ पे बी की वैल्यू लिख लेते हैं 1 -1 0 2 5 0। अच्छा ए का वैल्यू आपके पास है ही 2 1 3 4 1 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले रॉ में पहले कॉलम से तो हो जाएगा आपका 2 -4, देख रहे ना, इसमें इससे तो 2 1 2 और -4 यहाँ से आ जाएगा, 0 2 से 2 4 में, समझ रहे ना। दूसरे रॉ में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 0 प्लस 8, तीसरे में पहले से तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 0, फिर अब इसमें सेकंड वाले से करेंगे, है ना, तो आ जाएगा आपका कितना 1 -1, फिर आपका आएगा 0 2, फिर आपका इसमें इससे करेंगे तो आएगा आपका 5 0, फिर इसमें इससे करेंगे ना पहले रॉ में थर्ड कॉलम से, है ना, तो क्या आएगा आपका 3 प्लस 0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 -0, तो 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इससे तो हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर इसमें इससे तो 5 3 15 हो जाएगा ना, 15 प्लस 0। चलिए तो यहाँ से आपका आ गया, इसको सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। चलिए -2 0 3 8 2 0 10 5 15, यहाँ से आपका आंसर आ गया, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2।